अगर आप एक यूट्यूबर है तो ये वीडियो जो है काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर ये गलती आप करते हैं तो आपका जो चैनल है वो टर्मिनेट हो सकता है। तो क्या कुछ ये जानकारी मैं आपको बताऊँ, इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज एक YouTube के इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि आज से YouTube पे लागू हो गया। वो अपडेट ये है कि अगर आप किसी भी दूसरे यूट्यूबर का मजाक बनाते हैं या फिर उन्हें किसी भी तरह से डिसग्रेस करते हैं तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक। और ये स्ट्राइक कैसे आएगी ये भी आपको बता दूं, जैसे कि हम कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके बगल में आपको 3 डॉट मिलते हैं, वहां पे क्लिक करने के बाद आपको रिपोर्ट कर देते हैं। रिपोर्ट के जगह पे एक और ऑप्शन आएगा, रिपोर्ट तो आएगा ही, इसके अलावा एक और ऑप्शन आएगा हरासमेंट का। अगर कोई यूट्यूबर उस पर क्लिक कर देता है या कोई व्यूअर भी और हरासमेंट में क्लिक करके आपके खिलाफ कंप्लेन करता है तो पहले तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और पहला कॉपीराइट स्ट्राइक लगेगा और वीडियो डिलीट हो जाएगा। अगर आपने ये गलती दोबारा से किया तो आपका चैनल जो है टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट मिलेगी जो कि कॉमेडी वीडियो बनाते हो, तो कॉमेडी वीडियो वाले आपको पता होगा कि वो लोग खास करके वो मजाक करते हैं किसी के ऊपर, तो इस तरह के चैनल के लिए छूट रहेगा। लेकिन जो आम चैनल है वो किसी का मजाक उड़ाएंगे या किसी को किसी के रंग पे या किसी के लंबाई चौड़ाई पे कमेंट करेंगे तो ऐसे में उनका जो चैनल है वो डिलीट हो सकता है। तो यही था आज का अपडेट, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।